अभी शाम के 7:52 हो रहे हैं और कमाल की बात है कि अभी भी गेम में भी रात ही है। गुड नाइट एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? मेरा हालत पूछे तो कुछ अच्छा नहीं है भाई, आपको बता रहे आज हमारे साथ बहुत गलत हुआ यार। ऐसे ऐसे चीज़ें हुआ ना हमारे साथ कि हम बता नहीं सकते आपको कि कितना दुख हुआ मेरे को यार, बहुत तकलीफ़ हुआ। आप बताइए, मेरे पास आयरन फार्म नहीं था, ठीक है? तो ये देखिए, हमने आयरन फार्म बनाने की कोशिश करी थी यहाँ पर, तो हमने मतलब कि बहुत मेहनत करके ना, ये देखिए हमने बहुत मेहनत करके ना भाई, ये देखो कैसे कैसे, ये देखो साला आयरन गोलम यहाँ स्पॉन हो रहा है। अरे यार एक मिनट रुको, अबे तो ये देखिए हमने ये आयरन फार्म बनाया, आयरन फार्म हमने इसलिए बनाया था ना ताकि ये आयरन गोलम कहाँ गया, आयरन गोलम जाएगा वहाँ पे मतलब कि जल के मर जाएगा, मेरे को आयरन मिलेगा। पर क्या वो पता है, हमने ये देखिए ये स्लैब के ऊपर हमने स्लैब क्यों लगाई है, यहाँ पर नीचे में विलेजर्स हैं, यहाँ पर नीचे में जो आप देखिएगा, ये देखिए नीचे में विलेजर्स हैं, तो विलेजर के ऊपर यार पता है लाइटनिंग गिर गई, ये वाले विलेजर्स तो बच गए। लेकिन यार तुमको बता रहे हैं हम, इधर के देखो, इधर के विलेजर का क्या हाल है यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये देखो देखा है, ये देखो। अरे पता है हमने इसके अंदर विलेजर्स रखे थे, ठीक है विलेजर रखे थे, इसके ऊपर बिजली गिरी, ये जो बनी हुई ना कमरा बना हुआ है इसके ऊपर बिजली गिरा, बिजली गिरा, सारे के सारे विलेजर्स जो हम इतना मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाए थे ना, सारे के सारे विलेजर्स कन्वर्ट हो गए विचेस में। अब बताइए तीन विलेजर हम कैसे कैसे करके लाए थे भाई, देख रहे हो, ये हमने ऐसे ऐसे बनाया था, रेड स्टोन बनाया था, ऐसे 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 पूरा दिन लग गया यार, पूरा दिन लग गया इनको यहाँ तक पहुँचाने में। और देखिए ये साले हंस रहे हैं, हमारे ऊपर हंस रहे, किस्मत हमारे ऊपर हंस रही है भाई, इनके ऊपर लाइटनिंग गिर गया और ये इनका कन्वर्जन हो गया भाई। यार ऐसे क्यों होता है मेरे साथ यार, मतलब यार ऑलरेडी हम दुखी आदमी हैं, तो अब हमने सोचा ना भाई कि अब कुछ दिन के लिए हम आराम करें, मैं दिमाग का दही हो गया भाई, तो हम लोग कॉपर ला करके ना लाइटनिंग रॉड बनाएंगे ताकि यार अगली बार से बिजली जो रिमेनिंग जो है उनके ऊपर ना कन्वर्ट हो जाए, अदरवाइज यार मेरा तो आयरन फार्म ही चला जाएगा। बड़ा मुश्किल से विलेजर्स आए थे और बताइए ऐसा हो गया। तो हम लोग चलते हैं अपना कॉपर थोड़ा ढूंढ के लाते हैं, ये देखो स्केलेटन हॉर्स है भाई, और इस ये क्या हो रहा है, ये देखो स्केलेटन हॉर्स आए हैं, ओ माय गॉड, बेटा तुम शेर हो तो हम भी सवा शेर हैं, इनसे पंगा लिया जाए क्या, ये स्केलेटन हॉर्सेस हैं। यार ये कहाँ से स्पॉन हो जाते हैं, अजीब अजीब लोग हैं। पता है स्केलेटन हॉर्स ना बाय डिफॉल्ट टेम होते हैं, और पता नहीं इनको कैसे हम लोग हेल्थ बढ़ाते हैं, तुम्हारा हेल्थ बोन से बढ़ता है क्या? ओके आगे बढ़ा, ये टेम तो होते हैं लेकिन इनको चलाने के लिए सैडल चाहिए। चलो एक से बढ़ करके एक हम लोग मिल जाते हैं, अजीब अजीब मॉस मिल जाते हैं माइनक्राफ्ट में यार, स्केलेटन और जितना अजीब तरीके से मिलेगा वो समझ में नहीं आ रहा था। अरे यार आज के पता है दिन बड़ा सैड भी था यार, हमने इतना मेहनत करी, देख रहे हो यार ये जो बनाया है हमने ना, ये आयरन फार्म बनाने की कोशिश करी थी यार, कितना मेहनत किया था हमने, कितना मेहनत किया था, यहाँ से रेड स्टोन दौड़ाया था, आपको दिखा रहे हैं ये देखिए, यहाँ से हम इसको रेडिस में दौड़ाए थे। ये लोग पता है माइनकार्ट पे नहीं चल रहा था, आपको पता ही होगा, अगर जो आप मतलब कि थोड़ा बहुत भी विलेजर को ट्रांसपोर्ट किए होंगे तो आपको पता होगा कि कितना मेहनत लगता है विलेजर को, सालों को चूटियों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में दिमाग का दही हो जाता है। देख रहे हो कैसे 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 हमने नौटंकी करी थी, यहाँ रेडिस्टोन ऐसे किया था, ऐसे घुमाया, वैसे घुमाया, जैसे घुमाया तैसे घुमाया, इनको यहाँ तक पहुँचाया, और उसके बाद से ना उसके ऊपर लाइटनिंग गिर गई, और लाइटनिंग गिरने के कारण वो लोग कन्वर्ट हो गए बीचेस में। अब मेरा पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद हो गया, अब हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इनको ब्रीड करना पड़ेगा, इनको भीख देनी पड़ेगी, साले वो सब खाएंगे ब्रेड व्रेड खाएंगे तो फिर ब्रीड करेंगे, तो उसके बाद से ये लोग बड़े होंगे तब उनको हम यहाँ तक पहुँचाएँगे यार। अब देखते हैं यार कितना आयरन आया है, आयरन आया है 55, आयरन आया है 79, आयरन की भी गरीबी है, क्या किया जाए यार, ऐसा ऐसा मतलब किस्मत ऐसा होता है ना भाई। देखो हंस रहे हैं साले, हमारे बदकिस्मती पे हंस रहे हैं, देखो मार मार दे क्या इनको यार, मारते हैं ये लोग जिंदा रखे भी क्या करेगा। हाँ पॉइजन फेंक रहे हैं साले, बेटा पॉइजन, हमको पॉइजन दोगे, हमारी ज़िंदगी ऑलरेडी पॉइजनस है भाई, ये देख रहे हो कैसी ज़िंदगी है, ये क्या पोषण है, रेडिस्टोन है, फलाना है, ऐ छोड़ो। अब हमको क्या करना पड़ेगा भाई, पता है इनको हमने मार दिया है, अब हमको फिर से इनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, फिर इसको ऐसे ला के जोड़ के फिर इनको इसमें घुसाना पड़ेगा, फिर हमको फिर रूट बदल करके हमको जॉम्बी चलाना पड़ेगा इसमें। चलते हम लोग थोड़ा सा कॉपर लेकर के आते हैं, नहीं तो यार वो बाकी सब अगर जो विचेस में कन्वर्ट हो जाएंगे ना तो मेरे को बहुत दुख होगा यार, हमको लगा नहीं तो हम कॉपर को कभी ढूंढेंगे, पता है हमने आज तक
आज तक हमने कॉपर का यूज नहीं करी है। एक तो साला माइनक्राफ्ट का एक बीमारी ये होता है ना कि जो चीज़ ढूंढो वही चीज़ नहीं मिलेगी, सब चीज़ मिल जाएगा, बस खाली उसको उस समय तक नहीं ढूंढ रहा होना चाहिए। वह अब कॉपर ढूंढ रहे हैं, कॉपर नहीं मिल रहा मेरे को। तुम्हारे गर्लफ्रेंड है क्या हम की जो भागे भागे आ रहे हो? कॉपर ले लेते भाई, कॉपर लेकर के हम लोग बनाएंगे वो लाइटनिंग वाला बनाएंगे, लाइटनिंग वाला कंप्लीट होगा तो फिर बच पाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल ही यार। पता है इस गेम प्ले में ना हमको आयरन की कमी नहीं हुई, क्योंकि पता है ये ओपन सारे केव हैं, सारे के सारे केव्स ओपन हैं, तो मतलब काम चल जाता है। अरे यार आज पता है मतलब हम दोपहर से खाना नहीं खाया तो मेरा एनर्जी थोड़ा सा लो होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम, क्योंकि यार खाना बनाया नहीं था उसने, यार भुजिया बनाया था आलू का भुजिया, वो भी एकदम बेकार से, एकदम स्वाद नहीं आता। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा होगा कि हम दूध और रस खा लें, ठीक है, एक ब्रिटानिया की रस खाती है, ठीक है, तो वही खा के हम सोए थे। सोए क्या थे यार, बैठ के फार्म बना रहे थे। और हमारा हाल देखिए क्या है, आज है 18 अप्रैल है, ठीक है, 18 अप्रैल को यार इतना मतलब कि गर्मी पड़ रही है यार, इस साल बहुत भयंकर गर्मी पड़ेगी। ये देखिए अपना एक बेस है, अजीब लग रहा है बाहर से देखने से ना, चलो सो जाते हैं यार। ये देखिए कितना मेहनत करके हमने बनाया था आयरन फार्म, सब का सब बेकार हो जाता है। आप पूरा दिल ला के कोई चीज़ मेहनत करो ना तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है यार, मतलब जी जान लगा देते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब करने के नाम पे कंजूसी दिखाते हैं लेकिन लास्ट वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब यहाँ तो हम कहेंगे कि जो पिछला वाला वीडियो था ना सबसे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म किया। तो थैंक यू फॉर द सपोर्ट, हम कोशिश करेंगे कि आप बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। हालांकि आइडियाज़ मेरे पास, आइडियाज़ की कमी नहीं है भाई, कुछ भी हो जाएगा ना, मेरे पास आइडिया की कमी कभी नहीं होगी। हमको कभी लगा नहीं था कि हमको कॉपर का कभी ज़रूरत पड़ेगा, हमने आज तक कॉपर को भाई पिघलाया नहीं है, ये देख रहे हो, हमने कभी भी आज तक कॉपर को फर्नेस में नहीं किया है और हम काफ़ी टाइम से माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं। लेकिन हमारा किस्मत देखो भाई, हमारा किस्मत ऐसा हुआ कि हमको ये बनाना पड़ रहा है लाइटनिंग रेड कॉपर की मदद से। यार किस्मत आपको कहीं से कहीं ला करके रख देगी, आपको पता नहीं चलेगा, देख रहे हो क्या लाइफ था यार, कैसा कैसा चीज़ हो रही है। कॉपर कौन रखता है, कॉपर से बेकार चीज़ है पूरा गेम में कोई, कॉपर कौन यूज करता है यार कॉपर। हाँ तो कुछ लोग होते हैं जो लोग डिज़ाइन करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, मतलब आर्किटेक्चर करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कमाल कमाल के वो लोग करते हैं। हम जैसे लोग फकीर लोग, हम लोग थोड़ी ना कॉपर यूज करेंगे। लेकिन बस वही है कि समय समय की बात है, किस्मत मेहरबान तो कॉपर पहलवान। हमने 2 लाइटनिंग रोड बना लिया है ताकि अगली बार से अगर जो बिजली आस पास कहीं गिरे ना तो इसके ऊपर गिरे, ना कि हमारे ऊपर गिरे भाई, हमारे विलेजर्स के ऊपर गिरे। बाकी ये सब रहने दो, तो चलो हम लोग बना लेते अपना। और ये कहाँ गया, ये ऐसे गया, चलो ठीक। आज हम लोग पता है विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे कि मेरा मन नहीं कर रहा है ऑनेस्टली बताएं तो, चलो फिर भी देखते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम ना है ना, इसके लिए ना हम पहले ही ना इसको लाइटनिंग रॉड लगा दे रहे हैं ताकि अगर जो बिजली कड़के ना तो मेरे विलेजर्स कन्वर्ट ना हो यार उसमें बेकार चीज़ में, ठीक है। ओके मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक कॉपर रॉड, लाइटनिंग रॉड, ठीक, ऐसे करने से जल जाएगा ये, यहाँ लगाते हैं, ठीक, गिर गया। ओके ये हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, पता है यहाँ पे अगर जो बिजली गिरेगा तो ये जो फेंस गेट है इसका जलने का रिस्क है, तो हम क्या करेंगे ना कि इसको यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे, ताकि अगर जो बिजली गिरनी हो तो यहाँ पे गिरे, विलेजर्स के ऊपर ना गिर करके वो लोग बिच ना बन जाए, बीच बन जाएंगे यार तो फिर रोने लगे हमसे, लिटरली रोएंगे। अब वही बचा हुआ है कितना, 58 आयरन है, चलो ठीक है, तो कम से कम चलो इतना आयरन तो मिला है फ्री का कोई मतलब फ्री का ही आयरन है, फार्म की आयरन जो होती है फ्री की होती है, लेकिन आदमी मेहनत करता है तो फिर इसलिए उसको उम्मीद ला के रखे रहता है। हाँ यार इनको हम खाना दे रहे हैं, हमने खुद ही सुबह से खाना नहीं खाई है। खाना देखो यार, अगर जो आपको हर दिन वैसे ही खाना मिलेगा ना तो आप बोलेंगे बैक यार भूखे रह लेते हैं हम नहीं खाएंगे। मेरा भी हालत वही है, यहाँ आसपास कोई बनाने के लिए खाना है नहीं, तो मतलब जाते हैं इधर दुकान से खाएंगे, दुकान से बिस्किट खाओ, बिस्किट खाने से भूख मिटेगी नहीं, क्या किया जाए यार, मतलब जिंदगी थोड़ी ऐसी झंड जिंदगी झंडवा तबो गमंडवा। इसको हम लोग ऐसे कर देते ताकि साले भागे नहीं, ये साले इतने विलेजर्स इतने दिमाग माथा चाटू होते हैं ना, इतना माथा चाटू विलेजर्स होते हैं ना भाई, कि जब इनको यहाँ हम पता है माइनक्राफ्ट रख दिए थे, हम बोले भैया तुम जाओ यहाँ पे, तो साले बार बार यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, ऐसे ऐसे झुक रहे हैं, तो उनको हम ऐसे ऐसे मारे उनको, तब ये लोग इधर आए, तब और मारे तब ये लोग चढ़े, और अगर जब नहीं चाहेंगे कि ये लोग यहाँ पे जाए ना तो पक्का पक्का चले जाएंगे, एकदम एनॉइंग, एकदम दिमाग खराब करने वाले ये सब चीज़ें। जल्दी से एक दूसरे को प्यार करो, किस करो, अरे हमें एक बच्चा चाहिए यार ज़्यादा वीट तो बचा नहीं है, कम वीट लाए थे क्या,
देखते बच्चे कैसे होते हैं, क्या करता है कि लो बच्चा हो गया, चलो देखते हैं। ए ए कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है ये लोग, क्या हो रहा है? अरे पीछे से दिख गया, पीछे से निकला इसका। चलो ठीक है, अभी बच्चा साला कहीं बाहर ना भाग जाए ना। चलो इन दोनों में प्यार करवा दिए हैं, अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, तब तक हम लोग अपना बाकी सारा काम कर लेते हैं। मजदूरी कर रहे थे उधर, बिना फार्म करना है, बिना फार्म का कोई मटेरियल इकट्ठा करना मजदूरी कर रहा है, जैसे 150 रुपया दिएगा। वैसे मजदूरी लगती है। तो यार इसको पता है, हम लोग सैडल लेकर के ना, चलो इसको अपने घर में रखते हैं, ठीक है। एक स्केलेटन हॉर्स है, दूसरा स्केलेटन हॉर्स कहाँ है? दूसरा डिस्पॉन हो गया क्या? ये स्केलेटन हॉर्स ना मेरे को थोड़ा अजीब, जब पहली बार मैं स्केलेटन हॉर्स को देखे थे ना भाई, मेरे को अजीब लगा था। मतलब कि अजीब, मतलब कि ये क्या है, हमको लगा था ये हमको मारेगा, तो इसे हम डर के भाग गए थे। चला जाओ। हाँ ऐसा ऐसा पेट है ना मेरे पास, हम सोच रहे हैं इसका जू बनाने के लिए। एक मेरा खोपड़ी लड़ेगा, ये स्केलेटन हॉर्स है अपना। नहीं सुनो, पता है पहली मंजिल पे लेके चलते हैं, नहीं तो फिर ये क्या होगा ना, कहीं नीचे ना भाग जाए साला। यप कमाल का दिख रहा है, इसका क्या नाम रखे हैं? स्केलेटन हॉर्स क्राइच। क्यों भाई क्राई क्यों कर रहे हो, क्यों क्राई कर रहे हो भाई, क्यों क्राई कर रहे हो? क्राई हमको करना चाहिए। देखो ना ये क्या बनाया साला, ये का बवासीर बना दिया, आयरन ही नहीं निकल रहा है। तुम मत क्राई करो भाई, हम रो देंगे, हम ऑलरेडी उदास है बहुत, खाना भी नहीं खाया सुबह से। क्राइज व्राइज मत करना भाई, एक दूसरे के साथ रहना, जिंदगी कट जाएगी। देख रहे भाई कितना मस्त लग रहा है, जब का धीरे 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 अपना, मतलब कि यार पता है बाहर से एकदम थक करके आप आ रहे हो, जैसे आप अपना कोचिंग से आते हो या फिर काम करके आते हो, ठीक है। आप जब घर में अपना कदम रखते हो तो एक सुकून दिखता है, अपना एक बेड दिखता है कि मैं इस बेड पर आज सोऊंगा, आराम करूंगा। देखो साला यहाँ आ गया, अब यहाँ से ही पीछे नीचे जाएगा, को बांध के रखना पड़ेगा मेरे को यार, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है ना, मान लो आप बाहर से काम करके आ रहे हो, ठीक है, आप जब काम करके आ रहे हो, जब मतलब घर पे पहुंचोगे तो घर पे एकदम सन्नाटा टाइप का, थोड़ा सा सुकून मिलेगा, थोड़ा सा नींद आएगा, अच्छा सा खाना मिलेगा। आप सोचोगे कि चलो थोड़ा सा सो जाते हैं यार, आज का दिन हमने काम कर लिया, काम कर लिया। आप अपनी छुट्टी का इंतजार करोगे कि मेरा छुट्टी कब हो रही है, जैसे कि कुछ लोगों का फ्राइडे को छुट्टी होती है, सैटरडे को छुट्टी होती है, उस दिन छुट्टी का इंतजाम करोगे, मतलब इंतजार करोगे कि किसी तरीके से हम लोग छुट्टी आ जाए। पता है मेरे साथ भी ऐसा होता है ना, जैसे मंडे वंडे आ जाता है ना, तो हम सोते हैं यार कब आएगा सैटरडे, कब आएगा संडे, कब आएगा संडे। अरे वो देख रहे हो सुंदर, रात को कितना सुंदर लगता है भाई, कितना मस्त लगता है, देख रहे हो गजब लग रहा है यार, मतलब वाह। अगर जो ये लवली नहीं है ना भाई, तो हमको नहीं लगता दुनिया में कोई भी चीज़ को लवली कहा जाएगा। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, क्या लाइटिंग है, क्या ये है, मतलब माइनक्राफ्ट सही में बहुत ब्यूटीफुल गेम है। माइनक्राफ्ट ऐसा गेम है ना भाई, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, सबके लिए कुछ ना कुछ है। 5 साल से छोटा बच्चा के लिए से लेकर के कोई 50 साल के बूढ़े आदमी के लिए। आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, हम जैसे जैसे कुछ कुछ चीज़ें करते रहते हैं ना, हम वैसे वैसे इसको ना गेम में लिखते रहते हैं, ठीक है। तो हम ये गेम प्ले शुरू किए थे 31 मार्च को, कब शुरू किया था हमने, 31 मार्च को, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है कि आई स्टार्टेड प्लेइंग द वर्ल्ड फ्रॉम 31 मार्च करेंटली अलोन। हमने यहाँ पे लिखा है 6 अप्रैल 2023 मैंने इन ड्रैगन को मारा और इन सिटी को लूट किया, और आज है 18 अप्रैल। वीडियो बनाते वक्त का डेट है 18 अप्रैल, अगर जो मैं एडिट कर लूँगा तो मैं इसको आज ही अपलोड कर दूँगा। पता है वर्ल्ड में जैसे जैसे जो जो चीज़ें होती रहती है ना, मैं उसको लिखते रहता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, ये मेमोरी के स्टोन्स हैं, ठीक, ये मेमोरी के स्टोन्स हैं। जैसे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 17 अप्रैल 2023, 34 सब्सक्राइबर हैं हमारे यूट्यूब पे, मैंने अपना पहला बेस बनाया, ठीक है। अभी मेरे पास 35 सब्सक्राइबर हैं 18 अप्रैल को। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हैं हमको पढ़ने भी नहीं आ रहा, आप शायद नहीं पढ़ पाओगे। 11 अप्रैल 2023 आई मेड माई फर्स्ट नेदराइट अपग्रेड। 11 अप्रैल को हमने पहला अपना नेदराइट अपग्रेड किया, और आज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अभी आज कितना तारीख है, आज है 18 अप्रैल, ठीक है। 18 अप्रैल को मैंने, 18 अप्रैल 2023 आज हमने क्या किया कि आई बिल्ट माई फर्स्ट आयरन फार्म, ठीक है।
और मेरे पास कितना सब्स हैं, मेरे पास अभी 35 सब्सक्राइबर हैं, 35 सब्स ऑन YT, सब्स ऑन YouTube, ये पता है, ये आज नहीं, आज की कई साल बाद, पता है कई साल बाद जाकर जो देखेंगे ना भाई तुम, गजब लगेगा कि मतलब 35 सब्सक्राइबर थे, पता नहीं हम फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे भी कि नहीं, मेरा कंटेंट कैसा होगा हमें नहीं पता भाई, लेकिन कैसा लगेगा यार कि मतलब कैसे कैसे हमने शुरुआत करी थी, धीरे धीरे वर्ल्ड चेंज होते रहता है ना, जैसे ये हमने बनाया है। तो गाइज हमको ये अपडेट देना था, हम सोच रहे थे कि इस एपिसोड में कुछ ना कुछ मतलब कि फार्म बनाया, लेकिन फार्म बनाना यार थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है मैंने एपिसोड में डालना, तो मैं आपको अपना वर्ल्ड टूर दिखाते, यही अपना वर्ल्ड है। अगर जो आप कुछ कमेंट वमेंट करते हो ना, अगर जो आप कमेंट वमेंट करते हो या फिर कुछ बातचीत करते हो ना, तो मैं आपका भी नाम यहाँ पर लिख दूंगा, जैसे इस बंदे का लिखा है। ये आप देखना मेरा हर वीडियो पर कमेंट करता है यार, ये पता नहीं क्या इसको दिखता है मेरे चैनल में जो और लोगों को नहीं दिखता यार, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तो गाइज यही थी अपनी बेस की टूर जो हमको करनी थी आज। चलते हैं हम खाना खा लेते हैं, बोल तो रहा था कि भैया कुछ खाना बना रहे खा लो, तो हमने कुछ देर पहले फ़ोन करी थी इसको, तो बोल रहा था कि भैया अभी खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, तो बोले चलो ठीक है तब तक कुछ वीडियो बना लेते हैं, वैसे भी आज वीडियो नहीं बनाएंगे तो मेरे को नींद नहीं आएगी, ठीक है, तो मैं सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। यार पता है ये सुअर केन फार्म बनाना जरूरी है, नहीं तो यार ये कब तक मजदूरी करते रहेंगे, देख रहे हो। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, खाना पीना खाते रहिएगा, नहीं तो थकान लगने लगेगी उदासी भी छाने लगेगी। तो मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय, गुड नाइट।